दोस्तों आज इतने बजे से खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज का तीसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया के लिए आई बड़ी खुशखबरी, वेस्टइंडीज की हार लगभग तय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज का तीसरा वनडे मुकाबला आज कब खेला जाएगा, कितने बजे से खेला जाएगा, तीसरे वनडे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है, भारतीय टीम में कौन से विस्फोटक धुरंधर खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है जिसके बाद टीम इंडिया की जीत पक्की हो गई है, साथ ही में तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया में कौन से 11 विस्फोटक खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं, पूरी खबर इस ब्रांड वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहती हो कि तीसरा वनडे मुकाबला जीत कर भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, उसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम ने पलटवार करते हुए शानदार तरीके से जीता। अब आखिरकार यह वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब सीरीज का बचा हुआ अंतिम और तीसरा वनडे मुकाबला आज खेला जाने वाला है जो कि दोस्तों त्रिनिदाद के मैदान पर खेला जाएगा और इस मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगी, जहां दोस्तों यह मुकाबला मोबाइल पर जियो सिनेमा एप्लीकेशन के जरिए से देख सकते हो। बात करें अब इस तीसरे वनडे मुकाबले की तो जो भी टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीत जाएगी वह सीरीज को अपने नाम कर पाएगी। हालांकि दोस्तों जिस तरह से पहले 2 वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने भारतीय टीम को टक्कर दी, लगता है कि वेस्टइंडीज की टीम भी सीरीज जीतने के लाइन में खड़ी हुई है। दूसरी तरफ से भारतीय टीम को अपने गलतियों को सुधार करना होगा और साथ ही में जबरदस्त वापसी करके भारतीय टीम को बुरी तरह से हराकर दूसरे वनडे में मिली हार का बदला लेना होगा। तो ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में भी कई सारे चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं और कई सारे विस्फोटक खिलाड़ियों की एंट्री हुई है। आखिर कौन से 11 विस्फोटक और खतरनाक खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो चलिए पूरी तरह से विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले टीम इंडिया की ओपनिंग बल्लेबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर बदलाव होना अब लगभग तय हो गया है और पक्का भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार ओपनिंग करने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर होगी। जहाँ दोस्तों देखा जाए तो हमने पहले 2 वनडे मुकाबलों में देखा शुभमन गिल के साथ ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आए, लेकिन अब टीम इंडिया इस गलती को दोहराना चाहेगी। एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे मुकाबले के द्वारा वापसी करते हुए नजर आएंगे क्योंकि दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने आराम लिया था। इसके अलावा शुभमन गिल से उम्मीद करते हैं कि अपने लय को जल्द ही हासिल करें। इसके अलावा नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे जो कि टीम इंडिया के मध्यक्रम बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली अगर टीम में नहीं रहते हैं तो देखा होगा आपने क्या हाल होता है टीम इंडिया का। लगभग विराट कोहली भारतीय टीम की जीत की चाबी है तो उम्मीद करते हैं कि इस बार तीसरे वनडे मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करे। नंबर 4 पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब तक ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आए, लेकिन ईशान किशन की अगर जगह कहीं बनती है तो वह नंबर 4 पर है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नंबर 4 पर आकर ईशान किशन किस तरह की बल्लेबाजी कर पाते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर संजू सैमसन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव को तीसरे वनडे से बाहर किया जा सकता है। अब तक सूर्या को काफी मौके दिए गए लेकिन सूर्या उन मौकों को शानदार तरीके से भुनाने में नाकामयाब साबित हुए। उम्मीद करते हैं कि अब उनके स्थान पर संजू सैमसन बेहतरीन मध्यक्रम में बल्लेबाजी करें और बेहतरीन फिनिशर की भूमिका निभाए। इसके बाद नंबर 6 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे तो वहीं पर नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। यह दोनों खिलाड़ी काफी बेहतरीन है। हालांकि हार्दिक पांड्या फॉर्म से जूझ रहे हैं लेकिन रविंद्र जडेजा काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हार्दिक अपने बल्ले के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में जोहर दिखाए तो वहीं पर रविंद्र जडेजा दोनों ही तरफ अपना अच्छा योगदान दे। वहीं दोस्तों बात करें स्पिनर गेंदबाज के तौर पर तो यहां पर एक बार फिर से कुलदीप यादव का खेलना लगभग तय है। उम्मीद करते हैं कि इस चयनवन गेंदबाज ने अब तक दोनों ही वनडे मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया, बेहतरीन विकेट हासिल करके दिए। तीसरे वनडे मुकाबले में कुलदीप से कुछ इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा टीम इंडिया में तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक बार फिर से यहां पर तेज गेंदबाजी का जिम्मा उमरान मलिक, शार्दुल ठाकुर और मुकेश कुमार के कंधों पर होगा। भले ही दोस्तों अब तक तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में शार्दुल ठाकुर को छोड़कर उमरान मलिक और मुकेश कुमार शानदार तरीके से प्रदर्शन नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन तीसरे वनडे मैच में दोनों ही खिलाड़ियों के पास, दोनों ही गेंदबाजों के पास अच्छा मौका होगा खुद को परखने का और साथ ही में दिखाने का कि वह क्या काबिलियत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से भारत की प्लेइंग 11 होगी तीसरे वनडे मुकाबले के लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है टीम इंडिया का तीसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।